आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण, पता है आपको, दुनिया के सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु थे। इनको दुनिया का सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु कहा जाता। और आज भी आपने देखा होगा विश्व की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, चाहे लंदन की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे रूस की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे ब्राजील की यूनिवर्सिटीज हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गीता के मैनेजमेंट कोर्स कराए जाते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि जीवन में कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जब आपके जीवन में मुश्किल आए, जब आपके जीवन में संकट आए, तो आप कैसे उसको मैनेज करें, ये सब गीता के मैनेजमेंट कोर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 ऐसे मैनेजमेंट गुरु मंत्र क्या थे, जो आज मैं आप सबको बताऊंगा। इन्हीं गुरु मंत्र के बल पर भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया में मैनेजमेंट गुरु कहलाए। और वो क्या थे, ये देखिए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कमिटमेंट पूरा करो। अगर आपने कोई भी कमिटमेंट लिया है ना, तो उस कमिटमेंट को पूरा करो। चाहे उसके लिए आपको कितना ही त्याग करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़े, अपना कमिटमेंट पूरा करो। आपने जो कमिटमेंट लिया है उसे पूरा करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था अपने माता पिता को कंस से मुक्त करने का और कंस का विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को आजाद कराया और कंस का विनाश किया। 11 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण को छोड़नी पड़ी, अपने सारे माल सखा सबको छोड़ा और सबको छोड़कर अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहे। तो त्याग तो आपको जीवन में करना पड़े। आप लोग क्या कहते हैं, सर मुझे तो बचपन में ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर पाया। सर मेरे तो बहुत ही बड़ा बर्डन आ गया था मेरे जीवन में। आप अकेले हो जो आपके ऊपर बर्डन आता है। इस दुनिया में और किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, सबके ऊपर बर्डन आता है, बट कौन कैसे मैनेज करता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना, अपना कमिटमेंट पूरा करो किसी भी हालात में। सेकंड, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने ज्ञान को साझा करो। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट आप उस नॉलेज को लोगों में नहीं बांटते हो ना, तो वह नॉलेज एक दिन आपका खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत सारा नॉलेज था और वो पल पल सबके साथ में साझा करते थे। तो सबसे बड़ी सीख मिलती है, अगर जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगों को साझा करोगे ना, तो लोग भी इंप्रूव होंगे, आप भी इंप्रूव होंगे। कहते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ता जाता है, और अगर आप उसे नहीं बांटोगे ना, अपने अंदर रखोगे ना, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज एक दिन जीरो हो जाएगा। श्री कृष्ण का थर्ड मैनेजमेंट मंत्र, लक्ष्य कभी मत भटकना, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ये 3 लक्ष्य लिए थे इस दुनिया में जब अवतार लिया था। तो 1, जन कल्याण करना, इस धरती पर बुराइयों को मिटाना, और इस धरती पर जितने भी नकारात्मक विचार है उन सबको मिटाना। और भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कुछ किया। अपने लक्ष्य कभी नहीं भटके। जब उनकी जीवनी आपने पढ़ी होगी, तो बहुत सारी मुश्किलें भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया। बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण कभी भटके अपने लक्ष्य? अब आप कहोगे, सर वो तो भगवान थे, वो कैसे भटकेंगे? वो भगवान थे, लेकिन जब वो धरती पर अवतार लिया तब वो भगवान नहीं थे, तब वो एक साधारण मनुष्य थे। ध्यान रखना, नोट करने की बात है, जब वो धरती पर अवतार लिया तो वो एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया साथ साथ कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको अपने जीवन की डोर कैसे चलानी चाहिए, आपके जीवन का मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए। 4, श्री कृष्ण का मैनेजमेंट, रणनीति बनाकर काम करना, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे समाज में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, हर चीज में रणनीति बनाकर काम करना। आपको आप बिजनेस में कर रहे हो, अगर आप रणनीति नहीं बनाओगे तो क्या आपका बिजनेस सक्सेस होगा? नहीं होगा। आप अपना जीवन का मैनेजमेंट रणनीति बनाकर नहीं करोगे तो क्या आपका जीवन सक्सेस होगा? नहीं होगा। तो हर फील्ड में आपको रणनीति तो बनानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने पल पल युद्ध में रणनीति बनाई और अर्जुन का साथ दिया। एक रणनीति फेल होती तो वो तुरंत दूसरी रणनीति बनाते और सामने वालों की कमजोरियां देखते
और उन पर वार करते हैं तो रणनीति तो आपको बनानी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में बिना रणनीति के आप कभी नहीं चल सकते। फिफ्थ रणनीति भगवान श्री कृष्ण की, क्या संबंधों के आधार पर कभी पक्षपात मत करना। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि आपके संबंध है सबके साथ में, लेकिन संबंध किसके साथ अच्छे हैं उसको लेकर पक्षपात मत करना। भगवान श्री कृष्ण का संबंध दुर्योधन से भी था और भगवान श्री कृष्ण का संबंध अर्जुन से भी था। दोनों तरफ रिश्तेदारी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पक्षपात किया? बताओ आप लोग, किया नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ खड़े रहे, अर्जुन सत्य के साथ पे था, अर्जुन धर्म पर था और भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ थे। और भगवान श्री कृष्ण ने सुबह पांडवों और कौरवों को कहा था कि जिधर धर्म होगा उधर श्री कृष्ण होगा। तो ध्यान रखना, सत्य की राह पर चलना, झूठ की राह पर मत चलना। आपका रिश्तेदार झूठ की राह पर है, छल कपट की राह पर है, तो ये मत देखना कि यार वो मेरा रिश्तेदार है, उसने उसका मैं साथ दूंगा। अगर वो झूठा है, अगर वो अधर्मी है और अगर वो छल कपट करता है तो वो आपका कितना ही क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, उसका साथ छोड़ दो, उसके साथ मत रखो। सत्य के साथ चलो, सच्चाई के साथ में चलो, एक दिन आपकी जीत होगी। सिक्स, सबके लिए प्रेरणा बनो। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सबके लिए एक उदाहरण पेश किया। जब गोकुल में इंद्रदेव ने बारिश नहीं की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बन से इंद्र को भी झुका दिया और गोकुल के लोगों के लिए प्रेरणा बने। हर व्यक्ति श्री कृष्ण के जैसा बनना चाहता था। क्यों, क्या था श्री कृष्ण में ऐसा? तो यही आप एक उदाहरण सेट करो लोगों के सामने कि जब लोग आपको देखे तो वो सोचे कि नहीं यार, क्या व्यक्ति है यार, और क्या व्यक्तित्व है इसका। सबके सामने अपना उदाहरण पेश करो, दुनिया आपको देखती रह जाएगी। सेवन, मृदु बासी और सरल बने। भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा बोलते थे, उनका व्यक्तित्व कितना सरल था, आप सबको पता है। वो कभी गाली गलौज करते थे अपने जीवन में? नहीं। वो कभी छल कपट करते थे? नहीं। वो कभी झूठ की राह पर चले? नहीं। उनका व्यक्तित्व कितना सरल था, वो कितना विनम्र रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मैनेजमेंट में कि दुनिया में हमेशा मृदु भाषी बने रहो और सरल बने रहो, विनम्र बने रहो। आप विनम्र बने रहोगे तो दुनिया भी आपके सामने विनम्र बनी रहेगी और आपका कोई भी कार्य बड़ा आसानी से हो जाए। एट एंड लास्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन ध्यान रखना